ये जो सांप है बिग साइज में है काफी, आप देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, वन्य जीवन संरक्षण के माध्यम से हम मुश्किल में फंसे सांप और इंसान, सांपों से इंसानों को और इंसानों से सांपों को, दोनों को बचाने की कोशिश करते हैं। तो आज यहाँ पर एक आप देख रहे हैं, ये कैनल है जो कि खेती के लिए पानी छोड़ा जाता है यहाँ से। और ऐसे में यहाँ पर जो लगभग ये कैनल के करीब के जो किसान हैं, इनके बड़े खेती है। और खेती के अंदर एक यहाँ पर ऐसा एक सांप देखा इन्होंने, जो कि खेती में आएगा तो नुकसान हो सकता है, इससे मौत भी हो सकती है। एक रसल वाइपर को इन्होंने देखा था, इनका कहना है इसके अंदर, और ये सीधा यहाँ पर खेती के अंदर चला जा रहा था। तो इन्होंने हमसे संपर्क किया, तो हमारा फ़र्ज़ है कि इस सांप को, इस जहरीले सांप को यहाँ से सेफ जगह पर, यानी प्राकृतिक परिवेश में, यानी जंगल में आज़ाद करना। तो इसे हम देखेंगे दोस्तों, इसके अंदर ही कहाँ पर तो है, छिपा हुआ है, हम निकालेंगे इसको बाहर और फिर पैक करके सुरक्षित जगह पर रिलीज कर देंगे दोस्तों। ये देख सकते हैं दोस्तों, काफी बिग साइज में ये रसल वाइपर, रसल वाइपर ही है और बिग साइज में है, बहुत ही साइज इसकी बहुत ही बड़ी है दोस्तों। ये देख सकते हैं बहुत ही बिग साइज में है दोस्तों ये सांप। और ये सांप ज़्यादातर मोटे होते हैं, लेकिन इनका जो पॉइजन है, हमारे देश के अंदर ज़्यादातर यही सांपों के बाइट से मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इसका कलर जो है एक अलग कलर होता है। ये जो सांप है बिग साइज में है काफ़ी, आप देख सकते हैं। कारण आहे सगळ्यात जास्त बरोबर
तुमच्या मामाच्या हातात देऊन फोटो काढा. मग ते केवढा हाय, किती लांब आहे, बारीक असा मोठा दाखवा त्यांना. आता निघाले ये देख सकते हैं दोस्तों, हमने इस सांप को रेस्क्यू किया है बिना देरी के. अभी फिलहाल तो गले डाल देते हैं, ये बहुत ही खतरनाक सांप है. ज़्यादातर हमारे देश के अंदर मौतों का कारण यही सांप है. हम बार बार बताते हैं, ये नाक से 10 गुना जहरीला सांप है दोस्तों. लोग गलती करते हैं इस सांप से, एक साधारण सांप समझ लेते हैं, एक अजगर या फिर रॉक पाइथन ये समझ लेते हैं कुछ अलग, एक नॉन वेनम स्नेक. लेकिन ये एक रसल वाइपर, इसके बारे में जितना समझे और जितना सोचे वो कम है. ये सांप हमारे देश के अंदर हम जैसे रेस्क्यूअर की भी जान ले चुका है, इतना खतरनाक सांप है ये. लोग बहुत ही आसान समझते हैं इन सांपों को, और हम जैसे रेस्क्यू किया है वैसे करने की आप गलती ना करें. हम काफ़ी 17-18 साल से ये काम कर रहे, तो इसमें हम काम करने की वजह से थोड़ा सीख लिए. बहुत ज़्यादा हम एक्सपर्ट है ऐसा कुछ नहीं कहते, लेकिन हमें इतना ज्ञान है जो आपको धोखा दे सकता है, जान चली जा सकती है. हम सीधा इसे पैक कर देते हैं, ऊपर उछलना है. पहले पैक कर देते और सुरक्षित जगह पर रिलीज कर देते. दोस्तों हमारे देश के अंदर ज्यादातर लोग है ना इस सांप को अजगर समझ लेते हैं. कुछ वीडियो भी वायरल हुई थी कुछ लोगों की, एक अजगर समझकर हाथ में खेल रहे थे, इसकी बाइट हो गई और मौत हो गई. ये सांप बाइट कर ले तो बहुत ही बुरी तरीके से मौत हो जाती है, ये लोगों को पता नहीं है. ज़्यादातर लोग सांपों के बारे में कम जानकारी की वजह से मारे जाते हैं. तो हम इसे सुरक्षित जगह पर लेकर चलेंगे, प्राकृतिक परिवेश में आज़ाद कर देंगे. मिलते हैं और एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ. आज के लिए बस इतना ही. वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों. धन्यवाद. क्या